ऐसे भी बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं किए हैं, बस ठीक है, और यही है वीडियो और कुछ इस तरह का है। अब हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, आज है सोमवार और 29 तारीख है, और मैं वेट कर रही हूँ मेहंदी वाली का। मैं अपनी काम वाली से बोला था कोई मेहंदी लगाने वाला मिले तो मुझे बताओ, तो फ़ोन करी 2:30 बजे फ़ोन करी थी, बोली अम्मा मिली है मेहंदी वाली, मैं लेकर आती हूँ 3:30-4 बजे तक, बट अभी तक वो लेके नहीं आई। तो चल रही अभी उसको फ़ोन करूँगी, फ़ोन करके पूछूँगी। और मैं मेहंदी भी मैं नहीं लाई हूँ अभी, मुझे ब्लाउज लाने जाना है, ब्लाउज मेरा सिल गया है और एब्रो मेरा नहीं बना है, उसको बनवाने जाना है। तो काम तो बहुत सारे हैं, देखिए कितना काम हो पाता है। ठीक है, और आप लोग बताइए कैसे हो? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड वीडियो में बने रहिए, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाजू में बेल आइकन है उसको बजा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कल गई थी, कहाँ गई थी, हैदराबाद में जो सबसे ऊंची इमारत है, क्या बोलते हैं उसको, स्टेचू ऑफ इक्वलिटी ऐसे कुछ नाम है उसका, तो वहाँ पे गई थी। हैदराबाद में क्या पूरी दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति है और उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। वहीं पे कल मैं गई थी, आके इतना थक गई थी ना कि पूछूँ मत। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी से मेहंदी वगैरह लगवा लूँ। आज ना मुझे ना चाट खाने का मन है, आज खा लूँगी चाट, क्योंकि कल है मेरा फास्ट, तीज है कल, तो तीज के मतलब 24 घंटा कुछ भी नहीं खाते पीते ना, तो वही मैं सोच रही हूँ कि मेहंदी लगवा के फिर मिस्टर जी के साथ जाऊँ, बढ़िया चाट खा के आऊँ। ठीक है, तो यही सब है। अब मैं सोच आधे घंटे में आएगी, तब तक मैं सोच रही हूँ जाके ब्लाउज ही लेकर आ जाऊँ। ठीक है, तो ब्लाउज लेकर आ जाऊँगी, एब्रो बनवाने में तो टाइम लगेगा क्योंकि आज तो पार्लर में काफ़ी भीड़ होगी, तो टाइम लगेगा। तो शाम को भी जाऊँगी, नहीं तो कल सुबह भी जाके बनवा लूँगी, तो भी कोई नहीं, मिस्टर जी से बोल दूँगी सुबह सुबह ले जाके बनवा देंगे। कल तो मुझे वैसे भी कोई काम नहीं रहेगा, ट्यू मतलब जैसे कि उन लोगों को टिफिन वगैरह देना रहेगा तो देखूंगी बाहर से दे दूंगी। एंड मिस्टर जी भी बाहर ही खा लेते हैं, इतना कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं घर का ही खाना है, उनको इडली बहुत पसंद है। मैं जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है या फिर कुछ ऐसा वैसा है ना, तो वो बाहर से खा लेते हैं और मैं तो व्रती रहूँगी। ठीक है, तो यही है, चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में, तब तक बाय बाय।
हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ पे मेहंदी लग गया है, 6 बजे का आई 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 9 बजे मेहंदी लगा के बेचारी गई। तो मेहंदी तो ठीक ही लगा है, और यहाँ पे मैंने ब्रो भी बनवा लिया है, मेरा ब्लाउज भी सिल के आ गया है, तो सब काम हो गया है। थोड़ा काम बचा था, कुछ लाना था, तो मिस्टर जी गए हैं लाने, फ्रूट वगैरह जो चढ़ाते हैं तो वो सब लाने गए हैं मिस्टर जी। तो मैं 9:30 बज रहा है, मैं खाऊंगी खाना, बस यही सोच रही हूँ सूख जाए, उसके बाद सूख जाएगा तो उसके बाद खाना खाऊंगी, क्योंकि भूख लगी है। वैसे तो मैं शाम को खाती नहीं, बट आज खाऊंगी, क्योंकि कल पूरा दिन वैसे ही बिना खाए पिए रहना पड़ेगा। और 12 बजे तक मैं पानी मतलब चाय वगैरह पी लूँगी, ताकि मैं सुबह सुबह कुछ भी खाऊँ पीऊँ नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता मुझे रात को। बहुत लोग तीज में रात को 4 बजे उठ के पानी पीते हैं, बट 4 बजे तो दूसरा दिन लग जाता है, तो कोई मतलब नहीं है पानी पीने का। इसके लिए मैं तो नहीं पीती, मैं जो भी खाना पीना रहता है वो सब 12 बजे के पहले ही करती हूँ। ठीक है, तो यही सब है। और आप लोग बताइए कैसे हो। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। और मेहंदी पूरा फिनिश हो गया, आर्या भी एक हाथ में लगवाई मेहंदी। ठीक है, तो पैसे भी बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं किए हैं। ठीक है, तो ठीक है, और यही है वीडियो, और कुछ इस तरह का है। अभी मैं आप लोगों को पूरा दिखा देती हूँ लगा के। ठीक है, तो मतलब पूरा दिखा दूँगी। और लगी है मुझे भूख, जा रही हूँ मैं खाना खाने। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ मैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।